चलिए आज का ये क्लास शुरू करते हैं। आज एक बार फिर आपका स्वागत है इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस नए वीडियो लेक्चर में। देखिए आज का ये जो क्लास है, ये वीडियो लेक्चर है, वो है एक्टिव और पैसिव वॉइस का। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको कुछ कॉमन रूल के बारे में बताया जाएगा कि वह कौन सा कॉमन रूल है, वह कौन सा जनरल रूल है, सामान्य रूल है, जो अक्सर हमें क्या करना पड़ता है, हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, हमें अप्लाई करना पड़ता है किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करते समय। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको वो सभी कॉमन रूल के बारे में पता चलेगा जो हमें क्या करना पड़ता है एक्टिव से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करते समय अप्लाई करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि वो कॉमन रूल क्या है जो मैं आपको आज के इस वीडियो लेक्चर में बताने वाला हूं। देखिए यहां पे लिखा गया है कॉमन रूल्स टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। कुछ कॉमन रूल जो क्या करना पड़ता है, हमें अप्लाई करना पड़ता है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करते समय। यहां पे देखिए, यहाँ पे एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और यहाँ पे पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जब इस तरह से हमारा आएगा तो हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस में इस तरह से चेंज करेंगे। अभी आपको वन बाय वन करके सभी रूल के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम अपने फर्स्ट रूल पे चलते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट रूल क्या कहता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको बताया गया है फर्स्ट रूल के बारे में कि अगर आपके एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब आएगा तो ही उस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करेंगे, अदरवाइज वो सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होगा। तो पहले रूल के बारे में हमें यहाँ पता चला। दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर आपके एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब आया तो उस एक्टिव सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस का सेंटेंस नहीं बना सकते, यानी उस एक्टिव सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस में नहीं चेंज कर सकते हैं। तीसरा रूल देखिए क्या कहता है। तीसरा रूल ये कहता है कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज होगा तो वो सब्जेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, वो सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में। यहाँ पे ये तीसरा रूल है। चौथे रूल पे आते हैं। अभी आपको सभी रूल के बारे में डीपली से बताया जाएगा कि क्या होता है ट्रांजिटिव वर्ब और क्या होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। अभी आपको हर एक रूल के बारे में अच्छे से पता चलेगा। आप पहले देख लीजिए रूल क्या कहता है वन बाई वन करके। देखिए चौथा रूल क्या कहता है कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा जब उस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाएगा तो वो ऑब्जेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, यानी एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनेगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। पांचवा रूल, अगले रूल पे चलते हैं। अगला रूल हमारा पांचवा रूल है। अब यहां पे देखिए एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में मेन वर्ब जो होती है, अब देखिए मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आता है, लेकिन जब भी उस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज किया जाएगा तो वो वर्ब चाहे जो हो वो वर्ब हमेशा किस में चेंज होगा, पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगा। आप ये कह सकते हैं कि किसी भी पैसिव वॉइस के सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। छठवां देखिए क्या है, छठवां है सब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट में कोई प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आया हुआ होगा, अगर आपको सब्जेक्टिव केस के बारे में नहीं पता है कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है तो आप प्रोनाउन के प्लेलिस्ट में वो प्रोनाउन का लेसन दिया गया है, स्टेप दिया गया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, वहाँ से आपको ये पता लग जाएगा, आपको ये मालूम हो जाएगा कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, वहाँ से जाके आप इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि एक्टिव वॉइस
के सब्जेक्ट में अगर कोई प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आया है तो जब उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाएगा तो वो ऑब्जेक्ट में चला जाएगा और उस प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट हो जाएगा। सातवें रूल पे नेक्स्ट रूल पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि जब हम एक्टिव के इंट्रोगेटिव के सेंटेंस से पैसिव वॉइस के इंट्रोगेटिव के सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे रूल हमें फॉलो करना पड़ेगा, आगे आपको बताया जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि हु को किस में चेंज करेंगे, हुम में एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में अगर हु आएगा तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, हुम हो जाएगा, और अगर हुम आएगा तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा। और लास्ट रूल क्या कहता है कि सेंटेंस जो भी होगा, जिस भी अगर टेंस का होगा तो टेंस के अकॉर्डिंग, मॉडल हेल्पिंग वर्ब का होगा तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग, इंपरेटिव का होगा तो इंपरेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा कि किस तरह से हम किसी भी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो है, जो मैंने अभी आपको बताया, ये क्या है, कॉमन रूल है। ये आपको किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करते समय आपको अप्लाई करना पड़ेगा, आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होता है तो वो हो सकता है गलत हो जाए, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन रूल है जो मैंने आपको बताया है। अब चलते हैं इसके वन बाय वन रूल को अच्छे से देखते हैं, डीपली से देखते हैं। यहाँ पे मैं आपके सामने जरा एक एक्टिव का सेंटेंस और एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस लिखता हूँ, उसके थ्रू, उस सेंटेंस के थ्रू मैं आपको पूरी तरह से समझा दूंगा कि किस तरह से एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जब ट्रांजिटिव वर्ब आता है तो उसका पैसिव वॉइस बनता है, और जब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब आता है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। यहाँ पे देखिए पहला सेंटेंस मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। पहला सेंटेंस मैंने लिखा है आई लाफ्ड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेंटेंस क्या है, यहाँ पे ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस क्या होता है और पैसिव वॉइस का सेंटेंस क्या होता है, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो, एक्टिव और पैसिव के पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाइए एक्टिव और पैसिव के पहले वीडियो लेक्चर को देखिए, आपको वहां से पता चल जाएगा कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस क्या होता है और पैसिव वॉइस का सेंटेंस क्या होता है। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा उसको याद दिलाना चाहूँगा कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस क्या होता है। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट को प्रमुखता दिया जाता है, सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दी जाती है, यानी काम करने वाले को प्रायोरिटी दी जाती है, वो सेंटेंस क्या होता है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है। अब यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, यहाँ पे आई लाफ्ड, मैं हंसा। तो क्या इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं, हम इस एक्टिव के सेंटेंस को, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब अगर होगा हमारे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में तो जब उसको पैसिव वॉइस में चेंज किया जाएगा तो वो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए लाफ, ये क्या इंट्रांजिटिव वर्ब है? हाँ, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब आपके मन में ये डाउट हो रहा होगा, ये कन्फ्यूज़न आप हो रहे होंगे इस चीज़ को लेके कि ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब को लेके कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। देखिए सबसे पहले मैं आपको ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बताना चाहूँगा कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिस वर्ब का प्रभाव किसी न किसी ऑब्जेक्ट पे पड़े, वो वर्ब क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है। और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिस वर्ब का, जिस काम का
प्रभाव किसी भी ऑब्जेक्ट पे ना पड़े वो वर्ब क्या होता है? इंट्रांसिटिव वर्ब। और ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है? जिस वर्ब का, जिस काम का प्रभाव किसी ना किसी ऑब्जेक्ट पे पड़े वो क्या होता है? वो ट्रांसिटिव वर्ब होता है। अब जरा मैं इसको सेंटेंस के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ। सेंटेंस क्या है? जैसे मैंने ये लिखा, आई किक्ड द फुटबॉल। अब यहाँ पे देखिए, ये सेंटेंस लिखा गया है। यहाँ पे एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा गया है और एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे देखिए, पहले आई किक्ड द फुटबॉल, मैंने क्या किया? मैंने फुटबॉल को किक किया। मैंने फुटबॉल को क्या किया? किक किया। अब यहाँ पे देखिए, किक ये वर्ब है, ये मेन वर्ब है। अब क्या ये ट्रांसिटिव वर्ब है या इंट्रांसिटिव वर्ब है? देखिए, जब मैंने फुटबॉल को किक किया, यानी जब मैंने इस काम को किया, तो देखिए इस काम का प्रभाव किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? हाँ, इस काम का प्रभाव ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है। जब मैं फुटबॉल को किक करूँगा तो फुटबॉल अपने स्थान से, अपने एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा, यानी लुढ़के का बॉल। तो जब भी इस तरह का वर्ब आएगा आपके एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में या आपके सेंटेंस में, तो वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये क्या है, ये किक्ड क्या है, ये क्या ट्रांसिटिव वर्ब है? हाँ, ये ट्रांसिटिव वर्ब है, क्योंकि अभी मैंने क्या बताया, ट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिस काम का प्रभाव किसी ना किसी ऑब्जेक्ट पे पड़े। तो यहाँ पे देखिए, इस काम का प्रभाव इस ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है, यानी फुटबॉल पे पड़ रहा है, तो इसके वजह से ये किक क्या है, ये ट्रांसिटिव वर्ब है। अब यहाँ पे आते हैं, इस सेंटेंस को देखते हैं और देखते हैं ये जो लाफ है ये क्या ट्रांसिटिव वर्ब है या इंट्रांसिटिव वर्ब है। यहाँ पे देखिए, आई लाफ्ड, मैं हंसा। अब क्या जब मैं हंसा तो मेरे हंसने का जो काम हुआ उस काम का प्रभाव किसी ना किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है क्या? नहीं, उस काम का यानी हंसने का प्रभाव किसी भी ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ रहा है। तो ये जो लाफ है ये क्या है, ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ट्रांसिटिव वर्ब क्या है और इंट्रांसिटिव वर्ब क्या है। तो इस तरह के सेंटेंस का, भले ही ये सेंटेंस क्या है यहाँ पे, सॉरी, ये एक्टिव का सेंटेंस है, लेकिन इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट चेंज नहीं कर सकते हैं। तो एक चीज़ मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है और इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है। अब अगर हम यहाँ पे चाहें, आई किक्ड द फुटबॉल, अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो इस सेंटेंस को, इस एक्टिव के सेंटेंस को बहुत ही इजी तरीके से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट किया जा सकता है। देखिए, अब चलते हैं इसी सेंटेंस को थोड़ा आगे लेके, और इसी सेंटेंस के माध्यम से कुछ हमें और इन्फॉर्मेशन मिलेगा पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में। देखिए यहां पे आपके सामने ये सेंटेंस लिखा है, आई किक्ड द फुटबॉल, ठीक है। अब ये चीजें क्लियर हो गई। अब यहां पे देखिए, ये सेंटेंस ट्रांसिटिव वर्ब है, इस सेंटेंस में किक्ड क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब है, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा। तो बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। अब तीसरे रूल पे जरा आते हैं। देखिए, तीसरा रूल क्या कहता है कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है, और एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का क्या हो जाता है, सब्जेक्ट होता है, हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये एक्टिव वॉइस है और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, द फुटबॉल। तो इसको क्या करना है, इसको हमको यहाँ पे लाना है, यानी पैसिव वॉइस में जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा और ये होगा द फुटबॉल, द फुटबॉल। ये चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा नीचे आता हूँ, लास्ट वाले रूल को जरा देखिए। लास्ट वाले रूल में क्या लिखा है, सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, मैं आगे आपको बताऊंगा। ये सेंटेंस देखिए,
पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस के वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे जब हम कन्वर्ट करेंगे तो होगा वॉच, ठीक है। अब जरा चौथे रूल पे, अभी नहीं पांचवें रूल पे आ जाते हैं। यहां पे देखिए पांचवा रूल क्या है, मेन वर्ब जो होगा जब वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाएगा एक्टिव वॉइस को, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। अब यहां पे देखिए किक, किक्ड, यहाँ पे किक्ड लिखा है। अब ये क्या है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है यानी पास्ट फॉर्म है, लेकिन हमें यहाँ पे किसका यूज करना है पैसिव वॉइस में, थर्ड फॉर्म का, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का। तो यहाँ पे किक्ड की थर्ड फॉर्म क्या होगी, किक्ड, द फुटबॉल वाज किक्ड, ठीक है। अब जरा फोर्थ रूल पे आते हैं, देखिए फोर्थ रूल क्या है। फोर्थ रूल ये कहता है कि एक्टिव वॉइस, फोर्थ नहीं तीसरे रूल पे आते हैं, तीसरा रूल यहाँ पे देखिए, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। अब यहाँ पे देखिए ये एक्टिव वॉइस का आई क्या है, ये सब्जेक्ट है, और जब इसको हम क्या करेंगे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये आई क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा यानी ऑब्जेक्ट में यूज होगा, ठीक है। तो हम जब भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि हम वहाँ पे बाय का यूज करके उस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बाय, यहाँ पे बाय, उसके बाद अब यहाँ पे आते हैं छठवें रूल पे अपने। देखिए सब्जेक्ट अगर प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस होगा तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। तो आई का अगर यहाँ पे मैं देखूँ कि आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस होगा मी। तो इस तरह से आप किसी भी सेंटेंस, किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को बहुत ही इजी तरीके से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इस सेंटेंस के माध्यम से आपको बताया। देखिए आई किक्ड द फुटबॉल, द फुटबॉल वॉज किक्ड बाई मी। यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या था एक्टिव वॉइस में, द फुटबॉल, और ये क्या हो गया पैसिव वॉइस में, सब्जेक्ट, उसके बाद वाज, उसके बाद जो वर्ब था मेन वर्ब उसकी थर्ड फॉर्म पास्ट पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, उसके बाद यहाँ पे देखिए जो भी आपको रूल में बताया गया था वो रूल यहाँ पे अप्लाई हुआ। तो ओवरऑल आपको यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर में जो कॉमन रूल था, जो जनरल रूल था, सामान्य रूल था, उसको मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर किया, मेंशन किया। फिर आगे की वीडियो लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आपको हर एक टेंस के सेंटेंस को अच्छी तरीके से बताया जाएगा कि टेंस के सेंटेंस को हम किस तरह से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्टिव और पैसिव वॉइस के नए पार्ट के साथ। थैंक यू।